नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार जीके 23 में। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो। आज हम आपके लिए कानूनी अधिकार कैसे बनाए, कानूनी अधिकार कैसे बनाए मैंने कानून बनाने के लिए आपसे पहले कुछ बता दिया थे आपको। आयोग ने सुझाव क्या क्या, कौन सा आयोग सुझाव क्या क्या दे दिया, समर्पित राज सूची से समर्पित सूची में कैसे आया। अब देखिए इसके लिए आयोग आयोग भी बन गया, ये कानून कैसे बनेगा। ये कानून बनाने के लिए सरकार ने कुछ बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम करने के लिए कुछ कानून बनाने के काम करेंगे सरकार। सरकार काम सरकार करती है, देखिए सबसे पहले सरकार किया होती है। सरकार सरकार या कानून के लिए कुछ बनाने के लिए काम सरकार करती है। देखिए सरकार क्या है, सरकार में कौन कौन से भाग आते हैं। सरकार सबसे पहले देखिए आती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस मीडिया, ये चारों मिलकर सरकार का निर्माण करती है। ऐसे मुख्यतः ये आपको चार ही आती, तीन ही आती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आपको एग्जाम पूछ दिया था कि सरकार की चौथी अवस्था क्या है, तो ये आपका था प्रेस और मीडिया। देखिए व्यवस्थापिका का काम, सबका ये काम क्या क्या है, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। ये कानून लागू हो गया तो उसको रक्षा भी करना है, जिसके लिए न्यायपालिका की जरूरत होती है। कानून को रक्षा किस प्रकार से किया जाए, इसका काम है न्यायपालिका का काम है कानून का रक्षा करने के लिए। कानून तो बन गया तो कानून को कहाँ कहाँ पर लागू किया जाए, मान लीजिए कानून बन गया तो कहीं ना कहीं लागू करेंगे तब ना कानून चलेगा। ये कानून बना तो कहाँ कहाँ बने, केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य स्तर पर, केंद्र और राज्य दोनों स्तर के लिए कानून बना है और लागू भी होगा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर लागू होगा, केंद्र स्तर राज्य स्तर दोनों पर लागू होगा। और रक्षा कानून को रक्षा करने के लिए केंद्र स्तर पर भी रक्षा होगा और राज्य स्तर पर भी रक्षा होगा कानून का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कानूनी स्तर पर जो कानून बनाती है, केंद्र स्तर पर जो कानून बनाता है वो होता है संसद और जो राज्य स्तर पर कानून को बनाता है वो होता है विधानमंडल। और संसद को दो भाग में बांटा गया है, कौन सा है, सदन और अंग, और देखिए इसको सदन और अंग और विधानमंडल को भी दो भाग में, सदन और अंग। अब सदन को दो भाग में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग को तीन भाग में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले आती है 2009, सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा में रखा गया। हम राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पास करने के लिए रख सकते हैं, सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को आती है पास हो गया और इसके बाद फिर लोकसभा में चला गया और लोकसभा में भी 4 अगस्त 2009 को पास हो गया और इसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर किए और 26 अगस्त 2009 को RTE Act 2009 पास हो गया। इस तरह तब ये 26 अगस्त 2009 को ये पास हो गया और ये 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशित हुआ। ये गजट किया है, यह सरकार का दस्तावेज होता है जो सरकार द्वारा बनाया गया कानून नियम को प्रकाशित करता है। अब देखिए विधानमंडल में, तो विधानमंडल में जो सदन होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, और इसका अंतिम विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, गवर्नर के लिए राज्यपाल करते हैं। देखिए आपको पता नहीं है संविधान के संसद की अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद आता है आपको 79 और देखिए आपको 136। अगर विधानमंडल को ग्यारह कौन अनुच्छेद बनाता है, 79 प्लस 89 करेंगे तो हमारा आ जाएगा विधानमंडल। विधानमंडल इसी प्रकार लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद। राज्यसभा आता है 180 और लोकसभा आता है 81। इसमें जैसे ही हम लोग 89 जोड़ेंगे दोनों में, इसमें 89 जुड़ेंगे तो आ जाएगा मतलब विधानसभा और इसमें जुड़ेंगे तो विधान परिषद आ जाएगा।